आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। साउथ फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है। जी हां, बाहुबली फिल्म निर्देशक हंसराज मौनी की फिल्म मल्टी स्टारर रिलीज पर हर किसी की निगाह है। दर्शकों के इस क्रेज को मेकर्स कई दिलचस्प पोस्टर और वीडियोस से कई गुना बढ़ा चुके हैं। बीती दफा जब निर्माताओं ने टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर का एक पोस्टर जारी किया था तब बहुत ही ज्यादा हंगामा मच चुका था। फिल्म में उन्हें मुस्लिम कैप को पहने हुए देखकर कोमाराम भीम के वंशज और समुदाय के लोग भड़क गए थे। उस वक्त इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। अब इस मुद्दे पर फिल्म निर्देशक के पिता और राइटर के वी विजेंद्र ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जी हां, फिल्म राइटर ने आखिरकार इस राज से पर्दा उठा दिया है कि आखिर क्यों जूनियर एनटीआर को मुस्लिम कुर्ते पैजामे और टोपी में दिखाया गया। केवी विजेंद्र प्रसाद ने एक इंटरव्यू में बताया कि दरअसल जूनियर एनटीआर का किरदार अंग्रेजों को चकमा देने के लिए मुस्लिम बनकर उनकी टोली में शामिल होगा। ये सीन उसी वक्त दर्शाया जाने वाला है। इतना ही नहीं, केवी विजेंद्र प्रसाद ने इस बात को भी इशारा दिया है कि रामचरण भी फिल्म में पुलिस के गेटअप में नजर आएंगे, जिसका खुलासा तभी होगा जब दर्शक ये फिल्म देखने सिनेमाघर पहुंचेंगे। वैसे ट्रिपल आर को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।